क्या आपने अपने को उस तरह से तैयार किया है कि राष्ट्रीय विकल्प के तौर पे वो आप राजनीति में आएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि इनको लग रहा था कि केक वॉक है, पॉलिटिक्स जो है, भारतीय राजनीति जो है वो केक वॉक है, और मीडिया, या मीडिया में नहीं कहता, मैं कहता हूं कि जो जो टेक्नोलॉजी की नई टूल्स है उनको अपनाकर आप जो जनता के जो कंसर्न्स हैं उससे अपना पाला छुड़ा लेंगे या उनके ऊपर ओवररूल कर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। अच्छा, क्या अरविंद केजरीवाल फिनिश हो गए? नहीं, फिनिश नहीं हो गए, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो कोई संत तो बनने गए नहीं हैं, संत हैं नहीं, तो राजनीति में जाहिर है आपको लोग घेरेंगे। आपको तो बच के निकलना है, लेकिन इसका मतलब है कि आप राजनीति नहीं कर पा रहे हैं, या आपने जितनी चालाकियां की उसमें आप खुद फंस गए। और दूसरी चीज, राजनीति में इसका मतलब बेहतर पॉलिटिशियन नहीं है वो, नहीं अगर फंस गए तो दिख रहा है। अब ऐसा दिख रहा है कि वो पूरी तरह से जो भ्रष्टाचार के दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, उनके निर्णय अभी तक सब उनके विपरीत चले होते दिख रहे हैं। ठीक है, उन्होंने लोक लुभावन नहीं, दलदल में फंसते चले जा रहे हैं, या केजरीवाल यही थे, बीच में उन्होंने कुछ स्वरूप बदल लिया, ऐसा है तो नहीं था? नहीं, ऐसा है कि ऐसा भी हो सकता, उन्होंने अपना चेहरा बदल लिया, ऐसा भी हो सकता है लोगों को गुमराह करने के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि उनको गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था। आप गवर्नेंस का एक्सपीरियंस नहीं था, वो कह रहे हैं इनकम टैक्स कमिश्नर है, कमिश्नर हो सकते हैं, लेकिन जन गवर्नेंस का, जो जनता की गवर्नेंस का, अरे उन्होंने स्वराज किताब लिख दी जन गवर्नेंस, वो उनकी समझ हो सकती है। आप कह रहे हैं स्वराज किताब, हालांकि वो किताब वहां कहां से चोरी की है मुझे मालूम है, लेकिन उन्होंने स्वराज किताब लिख दी गवर्नेंस के मुद्दे। हाँ, लेकिन वो ये सामने दिख रहा है ना कि उनके अंदर गवर्नेंस की कैपेबिलिटी का अभाव दिख रहा है, जिसके कारण उनके हर एक निर्णय पे सवाल खड़े हो रहे हैं और उसमें वो घिरते चले जा रहे हैं। और दूसरी चीज, उनके अंदर संगठनात्मक जो चीजें थी, जो संगठन को बनाकर देश भर में देशव्यापी खड़ा करने की जो है वो सोच नहीं है, वो क्या है, 2020 खेलना चाहते हैं। आए, कुछ इश्यूज को उठाया और सोशल मीडिया पर उसको वायरल किया, लोगों के बीच में पहुंच गए और आईटी के लोगों से पैसा ले लिया, चंदा ले लिया, और अपने को एक साहब, ये आप कह रहे हैं कि वो 2020 खेलना चाहते हैं, ध्रुव साहब ने साफ साफ कहा कि वो डी कंपनी है, वो दाऊद अब्राहम है, उसकी तुलना ही नहीं कर रहे हैं। तो वो हो सकता है ना, क्योंकि हो नहीं सकता है, आप अग्री कर रहे हैं इनकी बात? नहीं, मेरा वो कह रहे हैं कि वो फाइल पे सिग्नेचर नहीं कर रहे हैं। हाँ, दाऊद भी ऐसा ही करता है। हाँ, तो खुद को बचा के रखता है, तो बाकी सबसे फाइल पे सिग्नेचर करा रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा था कि अकाउंटेबिलिटी आपकी भी है, जब आपके लोग फंसेंगे। आपका आप क्या 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 मानना है, अरविंद केजरीवाल बेवकूफ है? अभी तक अरविंद केजरीवाल को जो पत्रकार या जो सिफोलॉजिस्ट या जो पॉलिटिकल एनालिस्ट कहते थे कि अरविंद केजरीवाल बहुत मास्टरमाइंड है, बहुत इंटेलिजेंट है, ऐसा लगता है कि अरविंद केजरीवाल अब बहुत ही बड़े मूर्ख हैं? मैं मूर्ख नहीं कहूंगा, लेकिन अगर वो मुख्यमंत्री रहते हुए कोई पोर्टफोलियो नहीं लेते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है कि अरविंद केजरीवाल को इस मुद्दे पर सवाल न पूछे लोग? ठीक है, लोग तो छोड़ दीजिए, अब सीबीआई ईडी पूछ रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि जो ज्यादा चालाक होता है ना, उसको तीन जगह लगती है, तो अरविंद केजरीवाल शायद उस चालाकी का जो नमूना है, वो जो कनिंगनेस थी उनके दिमाग के अंदर, यही तो मैं जानना चाह रहा हूँ, यही तो मैं जनता भी जानना चाह रही है, अरविंद केजरीवाल है क्या, कौन है अरविंद केजरीवाल? वो कनिंगनेस जो है उसको आपको अगर उसको प्रोडक्टिविटी में बदलना होगा तो यू हैव टू बी अलर्ट। कनिंग है या चीट है वो, जो शब्द आप इस्तेमाल कर ले, कनिंग तो है, 100% कनिंग आप मान गए, दाऊद नहीं है। दाऊद इसलिए नहीं कह सकता क्योंकि जब वो जनता के बीच में है और सरकार के मुखिया है किसी प्रदेश के, और तो उनके अंदर भाई सरकार के मुखिया हैं, सिग्नेचर किसी पे नहीं कर रहे। हाँ, तो वो लेकिन एक चीज तो ये बहुत अच्छा तुलना इन्होंने किया। नहीं, अच्छी तुलना है। मेरा ये कहना है, इन्होंने तुलना की आपके मंत्री, अगर दाऊद भी ऐसा ही चलता है, सामने में कहीं नहीं रहता है, वो उसके गुर्गे काम करते हैं, तो गुर्गे काम करते हैं, लेकिन और ऑन पेपर वो कहीं नहीं फंस पाते। अंडरवर्ल्ड तो ऐसे ही करता है, अंडरवर्ल्ड ऐसे करते हैं, केवल अपने अंडरवर्ल्ड का मतलब ही यही होता है ना, लेकिन वर्ल्ड के अंदर एक वर्ल्ड बना देना। लेकिन अगर वो चाहते थे कि मैं, नहीं आप दाऊद है कि नहीं? नहीं, मैं दाऊद से सहमत नहीं होता। क्यों नहीं सहमत? ये इन्होंने कहा ना कि अंडरवर्ल्ड ऐसे ऑपरेट, वो गलत निर्णय ले सकते हैं, वो गलत निर्णय ले सकते हैं। अरे भाई, वो होशो हवास में निर्णय ले रहे हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ, पद पर हूँ, लेकिन मैं फाइल पर सिग्नेचर नहीं कर रहा हूँ। नहीं, लेकिन मेरे पास कोई मिनिस्ट्री नहीं है। लेकिन ये इन्होंने कहा अंडरवर्ल्ड ऐसे ही चलता है। सुनिए मंत्री।